कराची में एक सुसाइड अटैक हुआ है। कल मैं अपने दोस्त सुशांत सरीन के साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात खराब होंगे अगर ये मामले को सुलझाया नहीं गया? पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी तो ये भी है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान में वो फंसेगा, वो पाकिस्तान के अंदर भी फंस जाएगा। मैंने नाम कराची का लिया, 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे उस वीडियो को कि कराची में असल में आज अटैक हो गया। पाकिस्तान से मैसेज आया कि कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक खुदकुश बम धमाका हुआ और वो खुदकुश बम धमाका करने वाली एक खातून एक औरत थी। ये अब उसने रिमोट हाथ में किया और ये बैग जो है ना बैग करेगी, बिल्कुल गाड़ी को बैग करेगी, बैग इस साइड पे करेगी। दो मुल्क ही वाज़े तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? यकीनन शक के डांडे तो दोनों ही तरफ जाते हैं। अमेरिका को आप दिल में कोसते रहिए, अमेरिका का बिगाड़ वैसे कुछ सकते नहीं है। भारत के कुछ और गुर्गे, कुछ और गुमाश्ते, कुछ और हरकारे आप यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी मौजूद हैं। कराची का वाक्य अभी एक सोची समझी साजिश है। कुछ दो तीन महीनों से हमारे पाक फौज के अफसर और जवानों पर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में 26 अप्रैल को हुए आत्मघाती हमले के बाद से एक नाम चर्चा में है, वो नाम है शारी बलोच का, जिसने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। इस हमले में एक पाकिस्तानी और 3 चीनी नागरिक मारे गए। हमले में शामिल शारी की उम्र 30 साल थी। उसने जूलॉजी में मास्टर डिग्री के साथ ही एमएड और एमफिल किया हुआ था। क्वेटा पब्लिक स्कूल में वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी। उसने 2 साल पहले पीएलए ज्वाइन किया था और खुद को आत्मघाती हमले में इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। शारी बलूच के 2 बच्चे हैं। उनके पति हबीतान बशीर बलूच एक डेंटिस्ट हैं, वहीं पिता गवर्नमेंट सर्वेंट थे। शीरी बलूच के पति हबीतान बशीर बलूच ने ट्वीट कर पत्नी के काम पर गर्व जाहिर किया है। उन्होंने अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा है, शारी जान, तुम्हारे इस निस्वार्थ काम ने मुझे अवाक कर दिया है, लेकिन आज मैं गर्व से झूम रहा हूँ। महरोच और मीर हसन ये सोचकर खुद पर गर्व करने वाले इंसान बनेंगे कि उनकी माँ कितनी महान महिला थी। महरोच और मीर हसन शारी जान के बच्चे हैं। कराची में एक सुसाइड अटैक हुआ है। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे अटैक होते रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड। कल मैं अपने दोस्त सुशांत सरीन के साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि रिलीज हमने कर दिया, 24 घंटे नहीं हुए उस वीडियो को। उस वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे कि मैंने क्या बोला है, तब आपको पता लगेगा कि आज का वीडियो मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे पहले छोटी सी क्लिप देखिए। जितने पश्तून कराची में है उतने क्वेटा में नहीं है, उतने पेशावर में नहीं है, और सारा का सारा जितना भी अंडरवर्ल्ड वाला काम है वहां पर कराची में ज्यादातर तो पश्तूनों ने संभाल रखा है। ट्रांसपोर्ट में भी है, फ्रूट के बिजनेस में भी है, लीगल बिजनेस में भी है, लेकिन इलीगल बिजनेस में भी पश्तून बहुत हैं, और वहां पे कई एक्स तालिबान वाले भी सेटल हो गए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात खराब होंगे अगर ये मामले को सुलझाया नहीं गया? बिल्कुल, और मेरा मानना यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खराब होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई बहुत ज्यादा ऑफेंसिव एक्शन लिया तो पाकिस्तान का वही हशर होगा जो बाकी देशों का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान साकिन हो जाएगा अफगानिस्तान में, और अनलाइक अमेरिका जो सिर्फ अफगानिस्तान में ही जिसके ऊपर, या रूस जिसके ऊपर अफगानिस्तान के अंदर ही जिसके ऊपर एक धावा बोला जाता था, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी तो ये भी है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान में वो फंसेगा, वो पाकिस्तान के अंदर भी फंस जाएगा। देखा आपने दोस्तों, मैंने ये बोला सुशांत से कि मैंने बोला कि ये जो ट्राइबल एरियाज में यानी कबाइली इलाकों में पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन असली अटैक जो है वो शहरों में होगा, वो शहरों में होगा। मैंने नाम कराची का लिया, 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे उस वीडियो को कि कराची में असल में आज अटैक हो गया। पाकिस्तान से मैसेज आया कि आपको पता था, उनको तो लगता है पता नहीं मैं क्या हूं, मैं साजिशें करता हूं बैठ के कमरे के अंदर, और कौन सा नेटवर्क चलाता हूं, पता नहीं क्या क्या लगता है वहां पर। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बताना चाहता हूं ये हुआ कैसे, ये जो अटैक हुआ, पहले इसका एक क्लिप देखिए वीडियो। ये अब उसने रिमोट हाथ में किया और ये बैग जो है ना बैग करेगी, बिल्कुल गाड़ी को बैग करेगी, बैग इस साइड पे करेगी। इसको क्लेम करा है बलोच लिबरेशन आर्मी ने, ये जो औरत है जिसने सुसाइड वेस्ट पहन के अपने आप को वो कर दिया, उसमें 4 लोग मारे गए जिसमें से 3 चाइनीज थे। इनको पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ में आता? मैं तो कल जब मैंने पूछा सुशांत से, मैंने बोला इनफैक्ट सुशांत से,
मेरे सवाल के पहले ही मैं एक स्टेटमेंट दे रहा था कि कराची में अटैक होगा। उसके दो तीन रीजंस हैं और ये पहला अटैक नहीं है जो कराची में हुआ, ना ही आखिरी है। मैंने कहा था पश्तून पॉपुलेशन को लेकर, बलोचों ने करा। देखिए बलोच और पश्तून, सबसे पहले यह बात आपको समझनी पड़ेगी, नंबर वन, कि बलोचिस्तान पश्तून मेजोरिटी है। बलोचिस्तान में जो बलोच हैं वो माइनॉरिटी हैं, वो कम है तादाद में। बलोचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान सूबा है, जो राज्य है, स्टेट है, उसके अंदर जो बलोच हैं वो माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी वहां पे पश्तून हैं, जो पश्तून डिसेंट के हैं। दूसरी चीज, जो कराची शहर है, कराची शहर में पश्तून ज्यादा रहते हैं। आप पेशावर के सारे पश्तून ले लीजिए और क्वेटा, जो कि बलोचिस्तान की राजधानी है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की है, ये यहां की है बलोचिस्तान की, क्वेटा, दोनों को मिला के उससे ज्यादा जो पश्तून हैं, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन जाती है, वो ये है कि कराची में रहते हैं। और ये दोनों पीछे से एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन्होंने पास्ट में भी कलेबरेट करा है। मैं एक दो दिन से नक्शा देख रहा था और यू नो पाकिस्तान का मैप, क्योंकि हम लोग तो ऑब्सेस्ड है ना पाकिस्तान को लेकर, दिन रात ये पाकिस्तान का नक्शा देख रहा था और मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी दो चार दिन से कि कराची में अटैक क्यों नहीं हो रहा। और जब मैं कहता हूं कराची में अटैक क्यों नहीं हो रहा, मेरा यह मतलब नहीं है कहने का कि मैं चाहता हूं कराची में अटैक हो, दैट इज नॉट द इंटेंट। पर अगर आप एक टेररिस्ट की तरह सोचिए, क्योंकि जो भी एंटी टेररिज्म करेगा या एंटी टेररिज्म स्टडी करेगा, उसका बेसिस वही है कि वो पहले टेररिस्ट की सोच लाए अपने जहन में, अपने दिमाग में, कि अगर मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। यहां पर यह जो अटैक हुआ है, यह अटैक क्यों हुआ है, मैं आपको बताता हूं। बलोचों को चीनी पसंद नहीं है, उनको लगता है कि हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे चाइना लूट रहा है। अच्छा, ये बात सच भी है, जो बलोच सोच रहे हैं कि चाइना लूट रहा है वो गलत नहीं सोच रहे, वो सच सोच रहे हैं, उनकी उनकी सोच में कोई गलती नहीं है। द चाइनीज गवर्नमेंट इज नथिंग बट अ पैक ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, ये चोर डकैत लोग हैं चाइनीज गवर्नमेंट। मैं चाइनीज आम चाइनीज की बात नहीं कर रहा, सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी बात कर रहा हूं। चोर डकैत लोग हैं ये, जहां पे भी जाते हैं, जैसे कि पिस्सू होता ना, कौन चूस लेता है, दे आर लाइक दैट। ये यहां पे भी गए बलूचिस्तान में, ये करा, अब बलूचों ने उनको मारना शुरू करा। नूरुल आरेफीन, अब जब दहशतगर्दी हमें नजर आती है तो ये दुनिया भर में हमने देखा है कि सिर्फ ये नहीं कि लोकल उस सतह पर वो हो, कहीं ना कहीं से उसको मदद मिलती है। अगर हम इसको सी पैक से जोड़ें, बाजार तो ये लगता है कि चाइनीज इसमें टारगेट थे, और हमने देखा दासू डैम के बाद यानी काम रुक गया था सी पैक पर। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है। तो अब इसीलिए शायद वजीर आजम गए हैं और फौरन जाकर चाइनीज से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें सी पैक के खिलाफ तो हमें दो मुल्क ही वाजे तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमरीका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? यकीनन शक के डांडे तो दोनों ही तरफ जाते हैं। अमेरिका को आप दिल में कोसते रहिए, अमेरिका का आप बिगाड़ वैसे कुछ सकते नहीं है। इस बात पर बहस करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाएं। भारत रह गया तो भारत को हवा देने के लिए भारत के कुछ और गुर्गे, कुछ और गुमाश्ते, कुछ और हरकारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी मौजूद हैं, जो रियासती इदारे जिनको कभी कभी बेनकाब कर दिया करते थे माजी में, कि इनके डांडे वहाँ से मिलते हैं, रॉ से इनको अफजाइश मिलती है, बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन फिर बाद में उनसे सरफ नज़र करके और हमने दीगर चीज़ों के ऊपर अपना फोकस किया। पाकिस्तान में ये सब कार्रवाइयाँ कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। अगर आप देखें तो इत्तेहाद बहरुल मुस्लिमीन के नाम का बड़ा चर्चा किया जाता था, लेकिन ऐसी ही मुसलमान ममालिक की जानिब से अगर हम ईरान को शुरू करें तो ईरान से आपको कुलभूषण यादव का तोहफा मिलता है। उज़ैर बलोच को जो गरीबान से पकड़ करके लेकर के आया गया था वो भी ईरान से ही आया था। तो किधर गया इत्तेहाद बहरुल मुस्लिमीन और किधर गई वो सारी बैनुल मज़ाहब हमाहंगी जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। इसके साथ साथ कराची में और बहुत सारी चीज़ें, कुलभूषण ने बहुत सारे इंकशाफात किए थे, कुलभूषण ने और बहुत सारी बातें की थी। उसके बाद फिर हमारे जो मुंतखब क़यादत थी, मुंतखब नुमाइंदे थे बकौल पाकिस्तानी उस वक्त की अपोजिशन और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के इमरान सरकार फिर उनको कुलभूषण यादव को हक़ देने के लिए कानून साजी करने तक पर उतर आए थे। पहले आपको अपने हाउस को इन ऑर्डर करना होगा, पहले आपको अपने ममालिक में अपने सिस्टम के अंदर मौजूद भारत के जो हरकारे हैं, अमेरिका के जो चेले चपाटे हैं, पहले आपने उनकी तसल्ली बख्श मरम्मत के लिए, ट्यूनिंग के लिए कोई ना कोई कदम उठाना।